नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में हरियाणा में पूर्व सांसद सुधा यादव को जगह दी गई है। वहीं सुधा यादव से हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा ने खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ सुधा यादव जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिन्हें हाल ही में जो भाजपा की संसदीय बोर्ड की सदस्य उन्हें नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ चुनाव समिति का सदस्य जो है वो नियुक्त किया गया है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जो हम सूची देखी, चाहे वो संसदीय बोर्ड के सदस्य के तौर पे बात करें या जो चुनाव समिति है, दोनों में आपका नाम है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगी। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई नड्डा जी, अमित भाई जो देश में गृह मंत्री है, उन्होंने जो विश्वास मुझ पर जताया है और जो सम्मान मुझे दिया है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं और निश्चित रूप से उनके विश्वास पर खरे उतरने का प्रयास करूंगी। संसदीय बोर्ड 11 सदस्यों का ये बोर्ड, उसमें हरियाणा को जगह दी, एक सम्मान दिया, किस तरीके से देखते हैं? और हम इसके साथ साथ चुनाव समिति की भी बात करेंगे, उसमें भी आपके साथ साथ चुनाव समिति में तो आपके साथ साथ भूपेंद्र यादव जी का भी नाम है, दो नाम हरियाणा से उसके अंदर है, संसदीय बोर्ड में आपका नाम है, तो एक बड़ी बड़ा जगह जो है हरियाणा को चुनाव समिति ने, अगर बात करें केंद्रीय समिति ने दी है। देखिए, हरियाणा के लिए तो गौरव का विषय है ही, और मेरे लिए जो उन्होंने सम्मान दिया है उसके लिए मैं आभारी हूँ और निश्चित रूप से अपना सर्वस्व करके मैं इस काम को करूंगी और जो भी अपेक्षाएं मुझसे होंगी उसमें मैं पूरे विश्वास के साथ काम करूंगी। भाजपा के साथ अगर बात करें, आपका जुड़ाव काफी पुराना रहा, चाहे हम लोकसभा की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय की भी हम बात कर रहे थे, उसके बाद भी पार्टी के समय समय विभिन्न चुनावों में भी रहे। हालांकि हम इंतजार करते थे कि लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार के तौर पे कहीं ना कहीं, हालांकि वो तो नहीं रहा था, लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारियां पार्टी समय समय देती रही, चाहे राष्ट्रीय सचिव की बात करें, अब हम बात करें संसदीय बोर्ड में भी है, तमाम जिम्मेदारियां हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिये, मैं तो पिछले 25 वर्षों से संगठन की कार्यकर्ता हूँ और संगठन ने जब जुबे जो जो जिम्मेवारी मुझे दी है उसको मैंने निर्वाह किया है और अब एक जिम्मेवारी और दी है तो निश्चित रूप से ये निर्वाह करूंगी और मैं पूर्ण रूपे होल टाइमर की तरह पार्टी में कार्य करती आई हूँ और आगे भी करते रहूंगी। हरियाणा कोर ग्रुप की सदस्य भी आपने, पार्टी को लेकर के, प्रदेश को लेकर के कितना आवाज रहेगी चुनाव पार्टी में? देखिए, आप देखें तो पिछले कुछ वर्षों से हरियाणा के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से जो जन सामान्य के लिए कार्य चल रहे हैं और संगठन के अंदर भी प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से जो नीचे तक हम पन्ना प्रमुख तक काम कर रहे हैं, आज पार्टी बहुत नीचे तक पहुंच गई है, मजबूती के साथ में खड़ी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी अच्छा हरियाणा के अंदर होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। एक प्रश्न है, उम्मीद करते हैं जवाब सीधा रहे, ऐसे लोगों को जगह दी गई है जो पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं, जैसे आपने कहा कि आप काम पहले आप करते, तमाम लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो नाम लिस्ट में नजर नहीं आए, हम नितिन गडकरी की भी बात कर रहे हैं, उसको लेकर के आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? देखिये, विपक्ष इसको लेकर निशाना साध रहा है इसलिए वो जवाब चाहेंगे। देखिये, मुझे इसकी अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में दायित्व बदलते बदलते रहते हैं, न तो कोई दायित्व मिलने पर कभी किसी को आपने बहुत उत्साहित होते देखा होगा और न दायित्व को दूसरी दिशा में देने पर कभी हतोत्साहित होते देखा होगा, तो इस विषय को उस रूप में नहीं लेना चाहिए जिस रूप में विपक्ष लेना चाहता है। दायित्व बदलते रहते और साधारण से कार्यकर्ताओं को भी कैसे एक के बाद एक जिम्मेदारियां दे करके किस मौके की और कहां तक जिम्मेदारी दी जाती है और इसका उत्साह की, हालांकि इनका कहना है कि ज्यादा उत्साह नहीं मनाते लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश है, पूरे प्रदेश में भी हम बात करें उत्साह है और इसके कारण भी है कि अगर बात करें जिस तरीके से प्रदेश को एक बड़ी जिम्मेदारी, प्रदेश की एक नेताओं की बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय अगर बात करें चुनाव समिति में भी और संसदीय बोर्ड में भी दी गई है, तो इसको लेकर कहना की उत्साह नजर आ रहा है। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं गुरुग्राम में सुधा यादव के घर के सामने लोगों ने खुशी जताई, आतिशबाजी कर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी, कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी, गुलदस्ता भेंट कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड में शामिल करने पर सुधा यादव को शुभकामनाएं भी दी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सुधा यादव को जो जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व ने दी है उसका वो आभार व्यक्त करती है और इससे न केवल गुरुग्राम बल्कि पूरे हरियाणा के लोगों को खुशी है। मैं ये कहूंगा पूरे
हरियाणा ही नहीं आज पूरे भारतवर्ष के लिए बड़ी गर्व की बात है। आदरणीय बड़ी बहन डॉक्टर सुधा यादव जी को केंद्रीय चुनाव प्रबंधन समिति और केंद्रीय बोर्ड में लिया गया है, यह पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। और मैं ये कहता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय अमित शाह जी ने जो आज डॉक्टर सुधा यादव जी को सम्मान दिया है, आज पूरा हरियाणा, पूरा गुरुग्राम, आज पूरे केंद्रीय नेतृत्व को दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता है। हम आभार प्रकट करेंगे केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय जगत पासन नड्डा जी का, अमित शाह जी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो उन्होंने एक सशक्त, पढ़ी लिखी, बहुत ही कुशल नेतृत्व आदरणीय सुधा यादव जी को बोर्ड में लिया है। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी है और आनंद। हाँ, सच में एक बहुत खुशी की बात है और एक बहुत बड़ा वो पर्व हम मानते हैं। पूरा गुरुग्राम, पूरा हरियाणा आज बड़ी खुशी की लहर सभी में दौड़ रही है कार्यकर्ता। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा पुलिस के 13 अधिकारी और जवानों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, जिसमें गुरुग्राम पुलिस के एससीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह भी शामिल हुए। पुलिस मेडल से सम्मानित गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए सम्मान के बाद एसीपी क्राइम की सेवाओं को एक साल और बढ़ाया गया। इंडिया न्यूज हरियाणा के संवाददाता मोहित कुमार ने एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह से खास बातचीत की है, देखिए। आपको पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है, तो सर क्या क्राइटेरिया होता है इसका और किस तरीके से कब आपकी ज्वाइनिंग हुई, कब से आप इस चीज़ को लेकर के जो है काम कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेडल के क्राइटेरिया की बात है, ये तो सरकार के द्वारा विश्लेषण करके और उसके जो पैरामीटर में जो आते हैं उनको सेलेक्ट करके और उसी में घोषणा होती है। उसके बारे में तो जानकारी आधिकारिक तौर पे जो उच्च अधिकारी हैं जो इसमें इस सारे इसका चयन करते हैं वही दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, मैंने 13 फरवरी 1995 को हरियाणा पुलिस में एज एएसआई ज्वाइन किया था और जब से लगातार पुलिस की सेवाओं में कार्यरत हूँ और इस सारी सेवा में कोई भी इस तरह के मेडल के लिए हम काम करते हों ऐसा कहीं भी ना मेरे दिलो दिमाग में कभी रहा और ना ही सोच के ये काम हमने किया। ये हमारी ड्यूटी थी, ड्यूटी करते हुए अपना हम काम करते रहे हैं और उसको हमारे अधिकारियों ने इस लायक समझा कि हमें राष्ट्रपति की तरफ से इस तरह के मेडल की उन्होंने घोषणा की है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़े सम्मान की बात है। और जब आपके काम को अगर पसंद किया जाता है तो इंसान को इससे ज़्यादा खुशी किसी काम में होती नहीं। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में पिछले काफी समय से अध्यापक विरोध कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट पर लगे अध्यापकों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की मनमानी के आरोप लगाए गए। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए करीब 50 से ज्यादा अध्यापक पिछले काफी समय से इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उन्हें समान वेतन, समान कार्य के तहत नियुक्त किया जाना चाहिए, जिसका कोर्ट में केस चल रहा है, जिस पर हाईकोर्ट की तरफ से यूनिवर्सिटी को स्टे लगा दिया गया। किसी भी अध्यापक को इस दौरान हटाया नहीं जाएगा और नई भर्ती नहीं होगी, लेकिन अध्यापकों का आरोप है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर अध्यापक लगे हुए हैं उन्हें हटाने की तैयारी है और इसी कड़ी में अब नए अध्यापकों की भर्ती भी की जा रही है, जो हाईकोर्ट की अवहेलना है। सभी अध्यापकों ने आज यूनिवर्सिटी के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और गुहार लगाई कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। ये जो टीचर्स बाहर हैं, ये एक्चुअली टीचिंग रिसोर्स पर्संस जो है यूनिवर्सिटी ने एंगेज किए थे जब यूनिवर्सिटी बनी थी शुरू में और जब रेगुलर पोस्टें सेंशन नहीं थी, तो इनको आर्ली बेसिस पे जैसे गेस्ट फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन कॉन्सेप्ट में हमने रखा था, पर आर बेसिस पे ये डिप्लॉय किए गए थे। अब कुछ पोस्टें रेगुलर आ गई हैं और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव लिया है कि फुल टाइम टीचर्स होने चाहिए हर कोर्स में यूजीसी और एआईसीटी के नॉर्म्स के मुताबिक और बच्चों के इंटरेस्ट में भी फुल टाइम टीचर्स होने चाहिए, इसलिए हमने फुल टाइम टीचर्स एंगेज करने के लिए एक प्रोसेस चलाया है जिसका रिटन टेस्ट जो है वो आज और कल है। थ्रू अपॉन एडवर्टाइजमेंट हमने एप्लीकेशन कॉल की थी। अब ये लोग चाहते हैं कि इन्हीं को रेगुलर कर दिया जाए और दूसरा इनको जो है 57,700 रुपये जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो इनकी भी जो हमने एडवर्टाइज़ किए इनकी भी तनख्वाह है वो भी इनको दी जाए। तो इस बारे में हमारा यही कहना है कि ये लोग हमारे रोल पे हैं ही नहीं, ये यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, तो कोई भी इस तरह की जो वेतनमान है या सैलरी के नॉर्म्स हैं ये तो उनके ऊपर लागू होते हैं जो किसी संस्था के एम्प्लॉय होते हैं।
अभी हमारे एम्प्लॉय तो हैं, हमने तो इनको आर्ली बेसिस पे एंगेज किया हुआ है और जिस रेट पे हमने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वही रेट हम इनको दे रहे हैं। आम जनता को एक बार फिर महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। दरअसल अमूल दूध के दाम फिर से बढ़ गए हैं। अमूल दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई कीमतें आज से लागू हुई है। हमारे संवाददाता संजय राठौर ने इसका जायजा लिया है। कुछ दिन की राहत के बाद आज एक बार फिर महंगाई अपने चरम पर नजर आ रही है। मैं बात करूं तो अब जो अमूल दूध है या फिर मदर डेयरी का जो दूध है उसमें 2 रुपए का इजाफा कर दिया गया। जो दूध पहले 59 रुपए लीटर था वो अब 61 रुपए जा पहुंचे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनकी जेब पर इसका असर देखने को मिलेगा। और वहीं मैं दही की मैं बात करूं तो उसमें 4 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, अब वो 69 जा पहुंचा है। तो ऐसे में जो तमाम लोग हैं उनकी पॉकेट पे कितना असर? सर आप दूध लेने आए हैं? 6 लेने आए हैं। क्या इसमें भी रेट बढ़े? हाँ, 2 रुपए पर पैकेट, पहले 14 था, अब 16 रुपए कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी की पॉकेट है इस पर इसका असर दिख रहा है? बिल्कुल जरूर असर पड़ रहा है, तभी तो पहले की उससे महंगाई अपने चरम, महंगाई बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी जेब पे इसका असर सीधा पड़ता नजर आ रहा है। जिस तरीके से दूध पहले 59 रुपए लीटर था तो वो अब 61 रुपए जा पहुंचा, और जो दही का पैकेट था वो 65 था वो अब 69 जा पहुंचा। सर आज कितना, जो दूध के रेटों में मैं बात करूं फिर दही की मैं बात करूं, कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? अभी खाद्य पदार्थों में जैसे दूध है, दही है, अपने इनमें सभी में रेट बढ़ गए हैं। जैसे अमूल ने पहले 59 का रेट दे रहे थे फुल क्रीम का, अभी 61 का रेट हो गया। ऐसे ही छाछ को देखें तो पहले 14 रुपए थी, अब 16 रुपए हो गई। तो डे बाई डे बढ़ ही रहा। अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि कंपनियां बढ़ा रही है या कंजप्शन ज्यादा है या फिर अमूल का कुछ टेस्ट ज्यादा है या कैसा है, कैसा नहीं, समझ नहीं आ रही है बात। डे बाई डे रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। आप एक शॉप ओनर है, कहीं ना कहीं आप जो बिक्री है उस पर भी इसका असर देखने को मिलता है? हाँ असर पूरा मिलता है सर, काफी असर देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से मार्केट में महंगाई बढ़ती जा रही है उस हिसाब से काम धंधा भी धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे थे और उसके बाद सीएनजी लगातार बढ़ती रही है, लेकिन अब खाद्य पदार्थ की मैं बात करूं तो अब लगातार उसमें भी इजाफा किया जा रहा है, जिसका असर अब लोगों की जेब पर देखा जा रहा है। गुरुग्राम से कैमरामैन इंद्रजीत के साथ संजय राठौर।